time is in my father. तो सभी छात्र जैसे हमको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में डायमेंशन दर्शाने, तो डायमेंशन आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से जो भी नाप रहे हैं वह सभी नाप आइसोमेट्रिक में ड्रॉ करेंगे और कोई भी नाप दोबारा पुनरावर्ती ना हो, इसको ध्यान रखते हुए और डायमेंशन दर्शानी है। डायमेंशन 2H पेंसिल से दर्शाई जाती है और इसमें एक्सट्रैक्शन लाइन और डायमेंशन लाइन दो लाइनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम जैसे इस पार्ट की किसी भी पार्ट के डायमेंशन दर्शाएं।